और एक मैं सबको बोलना चाहूंगा सभी बच्चों को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है जंक फूड खाना छोड़ दो बहुत अच्छा ये ये बर्गर, ये मोमो, ये चाउमीन बर्गर मोमो जो आप खाते हो ना सैंडविच और बाहर का खुले में खाते हो ना जो भी आप हैरान हो जाओगे इधर तो आप कलेक्टर बनोगे उधर आपकी किडनी फेल होगी इधर आप आईपीएस बनोगे उधर आपके कोई लीवर प्रॉब्लम होगी इधर आप कोई एग्जाम क्रैक करोगे कोई बैंक का या कोई और किसी चीज का उधर आपको शुगर हो चुकी होगी ब्लड प्रेशर हो चुका होगा या सेक्स की कमजोरी हो चुकी होगी इतना ज़्यादा इन जंक फूड में एम एस डलता है इतना ज़्यादा केमिकल होता है इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं नुकसान करते हैं आप नियम बनाओ कि रोज एक गिलास फ्रेश जूस पीना है मौसमी का संतरे का किन्नू का अमरूद का अनार का नारियल पानी पीना है या गन्ने का जूस पीना है कुछ भी पियो लेकिन नेचुरल बिना नमक बिना चीनी बिना छाने अगर एक और काम करो एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है मेमोरी को शार्प करने की जो भी आप रोटी खाते हो तो रोटी की जो बाइट है टुकड़ा है वो अंगूठे के नाखून जितना होना चाहिए चाहिए अंगूठे के नाखून जितना मतलब रोटी की बाइट सेंटीमीटर सेंटीमीटर होनी अंदाजन हम क्या करते हैं अभी रोटी की बाइट इतनी बड़ी करते हैं और उसमें सब्जी भर के खाते हैं तो सब्जी चम्मच से भरनी है भाई सब्जी में चम्मच है आपने ना बत्तीस बार चबाना है हर बाइट को और हर पानी के घूट को जैसे मैं पानी पियो या हर्बल टी पी तो एक एक घुट पीना है होता क्या है जब हम जबड़े को हिलाते हैं तो मेरे ब्रेन के सारे रसायन वो एक सामंजस्य में एक लय में आ जाते हैं तो आपका ब्रेन शार्प होता है बहुत बढ़िया आपकी मेमोरी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आप एक बार चीज सुन लोगे ना इस जन्म में तो भूलोगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने यहां पर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैं कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूंगा जी, जी, वो एक ऐसा पल मुझे बताइए जब आपको लगा कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको कभी लगा ऐसा कि कोई स्ट्रेस रहा हो कुछ चैलेंजेस आपको और करने पड़े हो लाइफ में इस तरह से कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आए और आपने किस तरह से उन चैलेंजेस को डील किया अब मैं आपसे पूछूं एक सवाल फिर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ बिल्कुल सर कि आज की डेट में कैंसर बहुत बढ़ रहा है बिल्कुल मुझे बताओ सुबह से रात तक क्या ऐसी चीज खाते हो जिससे कैंसर बढ़ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि सुबह शाम तक हम घर का ही रोटी वगैरह और कुछ पूरे दिन में ऐसी कोई एक चीज जिससे सबसे ज्यादा कैंसर होने की संभावना है आ... सुबह से रात तक उठते ही लेके रात के सोने तक कोई ऐसी चीज जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर कारक तत्व तो है मुझे बता सकते हो मुझे देखो, मुझे देखो मेरे को लगता है बताया था कि प्लास्टिक के कप में जब व्यक्ति चाय वगैरह प्लास्टिक के कप तो हम यूज कर नहीं रहे ना आजकल तो मैं आपको बताता हूँ सुबह उठते ही खाली पेट हम सबसे पहला काम करते हैं ब्रश करने का ब्रश में जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं ना ध्यान से पढ़ लो सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर कारक टूथपेस्ट है उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट है एस एल एस बोलते हैं उसको सोडियम मोनोसल्फेट है जो कि भयंकर ब्लड में एसिडिक लेवल पैदा करता है और कैंसर करता है तो एस एल एस और एस एम एस ये टूथपेस्ट है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जब भी किसी को हार्ट अटैक पड़ता है क्या करते हैं हम लोग हार्ट अटैक पड़ता है क्या करते हैं एक गोली देते हैं एलोपैथी में पैथी में, में जीव के नीचे रख लो सोर्बिट्रेट नाम की हाँ। सात सेकंड में उस गोली का असर हार्ट तक पहुंच जाता है जीप के नीचे रखते ही सात सेकंड में जब उसका असर पहुंच जाता है तो सोचो टूथपेस्ट करने में आपको दो मिनट लगते हैं सोचो कितना केमिकल आपकी बॉडी ने एब्सॉर्ब कर लिया उस टूथपेस्ट में से और हमें कैंसर दे दिया आजकल किसी से पूछ लो हर घर में किसी ना किसी के रिश्तेदार को कैंसर है बिल्कुल और कैंसर इंसान को गरीब बना देता है लाचार बना देता है इंसान का घर बिकवा देता है सोना बिकवा देता है कर्जा चढ़ा देता है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अभी भी देश में हर्बल टूथपेस्ट अवेलेबल है तो कृपया उसको इस्तेमाल कर लो मंजन कर लो आज भी मंजन मिल रहा है मार्केट में वो कर लो आप दातुन कर लो लेकिन टूथपेस्ट मत करो हाथ जोड़ के विनती है क्या हर्बल जो है हम सुबह कर सकते हैं हाँ, हाँ 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 हर्बल टूथपेस्ट तो आयुर्वेदिक है ना उनमें वो एस एल नहीं होता जो भी टूथपेस्ट झाग नहीं बनाती समझो उसमें एस नहीं है हम जो शेव करते हैं हम क्रीम लगाते हैं उसमें भी एस है जो भी चीज झाग बनाती है वाशिंग पाउडर साबुन शैम्पू सब में एस एल एस है क्या इसका कोई सर ऐसा उचित हमें मिल सकता है सब कुछ हर्बल में ऐसा रिप्लेस कर सकते हैं क्या कोई भी अपनी रसोई में जो भी अपने घर के मतलब डेली स्केड्यूल में जो चीजें ले रहा है क्या वो सारी चीजें हर्बल में लाई जा सकती हैं? देखो मैंने तो पिछले छह साल से दूध से शेव बनाना शुरू कर दिया मैं शेव भी दूध से बनाता हूं एक चम्मच दूध लो सिर्फ एक चम्मच उसको रखो और उसको ऐसे ऐसे टच करो और शेव कर दो आप हैरान हो जाओगे क्रीम के मुकाबले बढ़िया शेव बनेगी